What up, guys? Welcome back to our channel, What Up Canada. This is Sid. And this is Sherry. And it's raining in Canada. So, aaj hai ek aur weekend vlog. And few videos back, we showed you our monthly expenses. So, humne aapko apne monthly expenses mein bataya ki kitna zyada yahan pe kharcha hota hai. And I'm sure aap mein se bahut sab log dar gaye ki itna zyada hum kharcha kaise afford karenge jab hum Canada aayenge. Kuch log jo yahan pe hain, they really appreciated the video because that's the truth. Toronto especially bahut mehenga hai. And you need to figure out ways ki aap kaise सेव भी कर रहे हो एंड राइट नाउ आवर फोकस इज कि हम मनी सेव कर सकें रादर देन ज़्यादा स्पेंड करें. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट वन सच थिंग कि कहाँ पे हम कुछ पैसे सेव कर पाते हैं एज कंपेयर टू बाइंग समथिंग मोर फैंसियर. स्टडी भी है काफ़ी. यू कैन पेयर अप अ लॉट ऑफ थिंग्स और गिफ्ट कर सकते हो बच्चों को. हमारे को नहीं, हमारे को गिफ्ट देना है तो मुझे डोसा खिला देना, सिद्धार्थ को मोमो खिला देना. आज हम पैसे ज़्यादा खर्चेंगे नहीं, आज हम थोड़े पैसे सेव करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट टुडेज वीडियो इज़ अबाउट. आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया. नहीं, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो. चलो तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी डॉलरामा की शॉपिंग और उसके साथ साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या मिलता है. तो मैं ये बता दूँ यहाँ पे सब कुछ मिलता है. और अभी जो हमारा ये फर्स्ट वाला सेक्शन है इसमें है सारा किचन का स्टफ. सो आई वुड से कि सेव करने के लिए बहुत अच्छा है. जैसे हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं ना, कुछ कुछ हम यहीं से ही ले लेते हैं सो दैट हमारे को जैसे अब ये छन्नी टाइप की चीज़ होगी, हमने ये सब डॉलरामा से ले रखा है क्योंकि सस्ता भी होता है और क्वालिटी वाइज इट इज़ ओके. देखो जैसे ये है, ये वेजिटेबल्स वगैरह को ना ऐसे पानी धोने के लिए तो ये बहुत सही रहता है सिंक में. तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं ना ये यहाँ से लेना बेटर रहता है. और किचन वगैरह का तो सब कुछ ही सामान यहाँ पे मिल जाएगा. और मुझे ये ब्रश लेना था बहुत टाइम से. अगर इस साइड पे देखोगे ओ ये मिल्क बॉटल्स कितनी क्यूट लग रही हैं. नाइस. तो यहाँ पे ना ये सब क्यूट क्यूट सामान बहुत ज़्यादा मिलता है. मतलब मैं डॉलरामा का मेरा आने का जो रहता है ना वो यही है कि क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं यहाँ पे. अब जैसे ये सारे हैं प्लांट करने के लिए प्लांटर्स. हमारे घर में ऑलमोस्ट सब डॉलरामा के प्लांटर्स ही हैं. और ये बेसिकली पूरा सामान है आपका गार्डनिंग का क्योंकि अब यहाँ पे स्प्रिंग आने वाला है और स्प्रिंग के टाइम में सब लोग बहुत गार्डनिंग करते हैं तो ये पूरा उसके हिसाब से. और क्या होता है ना यहाँ पे यहाँ की कनाडा की शॉप्स में स्पेशली इन प्लेसेस लाइक डॉलरामा जो भी सीज़न होता है ना उसके हिसाब से पूरा सामान आ रहा होता है. तो अभी जैसे ईस्टर है आज तो थोड़े टाइम पहले सारा सामान ईस्टर के हिसाब से था. सो अभी बिकॉज गार्डनिंग का टाइम आने वाला है, स्प्रिंग आ रहा है, आ चुका है इनफैक्ट, तो इसलिए आपको सारा गार्डनिंग टाइप का यहाँ पर सामान दिखेगा. तो अब वो फाइनल सेक्शन आ गया जिसके लिए हम एक्चुअली आज डॉलरामा आए हैं. सो हमारे घर में ना बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है एंड व्हाट वी हैव बीन डूइंग इज उसको बस किसी तरह हम स्टफ़ कर रहे हैं. तो हमें लगा इट्स टाइम हम लोग ऐसे कुछ बास्केट्स खरीदते हैं और उनमें सामान डालेंगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज ज़्यादा लगेगा. देखो ये भी बड़े हैं लिड ना. हाँ तो वो उनसे हम पूछते हैं क्योंकि देखो ये भी है, मे बी दिस इज़ लाइक इसका लिड. हाँ so that way and it's quite big. I think these are good hai na. This is for $4. dekho ye hai. अब देखो इसमें ये है, वन थिंग विद डॉलरामा इज ये है $4 का, बट देन क्वालिटी इतनी स्टर्डी नहीं होगी. बट अगर आपको लाइक टेम्प्रेरी उसके लिए चाहिए, लाइक जैसे अभी हमारी नीड है कि हमारे को कुछ ऐसा टिकाऊ चाहिए जिसमें हमारा सिर्फ सामान स्टफ हो जाए, इट्स नॉट समथिंग वी वॉन्ट टू यूज़ फॉर लॉन्ग. सो उसके लिए आई थिंक गुड इनफ बिकॉज काफ़ी बड़ा है दैट वे एंड देन यू गेट अ लिड विद इट. उसके अलावा आई वुड रियली लाइक टू शो यू गाइज ऑल दीज प्लेट्स वगैरह भी यहाँ पे डॉलरामा में मिल जाती हैं एंड लाइक सब कुछ मैचिंग भी मिल जाएगा, लाइक प्लेट्स विद बोल्स ट्रेज एवरीथिंग आसपास का. और ठीक है लाइक घर पे यू आर लाइक
अभी आप लोग आए हो कनाडा एंड यू नो यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन यूटेंसिल्स फैंसी चीज़ें खरीदने में, तो बहुत सही रहता है डॉलरामा से ले लो। सो यहाँ पे ना एक्चुअली लाइक व्हेन आई वाज सेइंग सब कुछ मिलता है लिटरली, तो जैसे ये शैम्पूज वगैरह वाली चीज़ें हैं वो सब भी मिल जाता है ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे सब कुछ $4 के अंडर है, तो वही वाली आपको रेंज मिलेगी सब लाइक स्पेसिफिक थिंग्स, मे बी यू वोंट गेट द वन यू आर लुकिंग फॉर, बट हाँ शैम्पू वगैरह टाइप की चीज़ें भी मिल जाती। देन दीज आर ऑल कंटेनर्स, हमने घर के लिए जो हमारे दाल वगैरह के कंटेनर्स हैं वो यही हैं। दीज आर लाइक गुड, ये वाला स्टर्डी भी है काफ़ी, सो दिस इज नाइस। ये देखो यहाँ पे ना ये आई थिंक इंडिया में भी मे बी आजकल होगा, बट यहाँ पे ना मील प्रेप का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है। सो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज़ बिकॉज इतनी फास्ट पेस लाइफ है और यहाँ पे ऑफिसेज लाइक वी टोल्ड यू बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, सो व्हाट पीपल रियली डू इज़ कि वीकेंड्स पे वो पूरा वीकली अपना मील प्रेप आइडिया कर लेते हैं। सो जैसे ये वाला बॉक्स बन रखा है, इसमें देयर आर 3 सेक्शंस, व्हाट यू कैन डू इज़ यू प्रिपेयर एवरीथिंग और इनको ऐसे स्टोर करके रख दो। सो ओरल हाइजीन का भी सारा सामान मिलता है और मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है वी गॉट दिस टोटल वन फ्रॉम नो फ्रिल्स दैट डे एंड आई एम श्योर इट वॉजन फॉर $3। तो यहाँ पे दे कैन लाइक सेल फॉर $3 एंड वहाँ पे महंगा बेच रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? चलो ओ ये कितना अच्छा लग रहा है ना, खरीद ले। हाँ, और ये है जो मुझे नेक्स्ट टाइम लेना है जब हम अपना रिफ्रेश करेंगे सारे जार्स। सो ये डॉलरामा के ना बहुत फेमस है टिकटॉक पे भी, बिकॉज दे गिव यू चॉक एंड यहाँ पे ये लिखने को मिलता है। सो बेसिकली जो भी जैसे स्पाइसेस शुगर वट एवर यू वॉन्ट टू पुट यू कैन नेम इट एंड उसमें डालो, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखो ये कितनी सुंदर है, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस यार फॉर $3। सो जैसे मैं आपको दिखा रही थी एंड सेट साइड की नहीं ग्लास वाली लेनी चाहिए, सो दिस इज़ दैट सेक्शन जहाँ पे ग्लास की क्रॉकरी मिलती है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है। मेरा अभी इस पर फिलहाल ये दिस इज़ समथिंग न्यू, मैं पिछली बार डॉलरामा आई थी दिस वॉजेंट देयर और अभी मेरा इस पर एकदम मन आ गया है। सो काफ़ी क्यूट सेक्शन है और काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखोगे मेरे राइट में तो आपको दिखेगा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सामान। और ये देखो अभी जैसे ईस्टर का टाइम है तो वो सब ये ईस्टर टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पे ना सीजनल चेंजेस बहुत होते हैं। लाइक फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम आई विल शो यू डिफरेंट डिफरेंट सीजन के हिसाब से डॉलरामा में कैसे सामान अपग्रेड होता है, बहुत सही लगता है। हम ये लेके गए थे डॉलरामा से एंड यू रिमेम्बर क्या हुआ था? तो हम ऐसे पानी डालते थे और पानी यहाँ से निकलता था। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट डॉलरामा से क्या ले रहे हो। सो यहाँ पे आपको सब कुछ $4 के अंडर मिल जाएगा, दैट्स द गुड पार्ट। एंड द बैड पार्ट इज कुछ भी रिटर्न और एक्सचेंज नहीं हो सकता। द अदर पार्ट इज आपको क्वालिटी वाइज चेक करना पड़ेगा कि क्या लूँ क्या ना लूँ, तो एक बार ही चेक बिफोर यू बाय। बट इमिग्रेंट्स के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि जब आप आते हो यू वॉन्ट टू सेव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। हमारी टाको किट, हम ये टाको किट लेके जाते हैं और ये हमारा एक दिन का डिनर हो जाता है। बेसिक ग्रॉसरी भी यहाँ पे सब मिलती है, लाइक इफ़ यू सी यू आर गेटिंग ऑल दो सूप्स टाकोस एंड देन यहाँ पे ये टोमेटो सॉस भी मिल रही है। देन देयर इज़ मैक्रोनी स्पेगेटी। स्टेशनरी के लिए मुझे डॉलरामा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत क्यूट सामान मिलता है। सो ये देखो कितनी क्यूट डायरी किट है यार, ये देखो डायरी एंड देन विद दिस पेन। जैसे गिफ्टिंग के लिए भी कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइक यू कैन पेयर अप अ लॉट ऑफ थिंग्स और गिफ्ट कर सकते हो बच्चों को। हमारे को नहीं, हमारे को गिफ्ट देना है तो मुझे डोसा खिला देना, सरदार को मोमो खिला देना। और ये देखो ये क्यूट स्टेशनरी की जो मैं बात कर रही थी, देखो कितने क्यूट क्यूट, ये देखो ये कितने क्यूट मार्कर्स हैं यार। तो हमें क्या लेना है, उसका मार्कर लेना है ना, लाइक लेट्स बाय दिस यार, है ना, थ्री कलर्स भी हैं एंड देन आई लाइक दिस इरेजर इनका। सो हमारे मार्कर्स ले रहे हैं। पेंटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखो कैनवास डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, देन दे हैव दोज ऑयल कलर्स।
वजह से अगर बर्थडे पार्टी वगैरह आपको ऑर्गेनाइज करनी है ना, उसके लिए भी बहुत सही है। डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स, ऐसे पॉपकॉर्न के कंटेनर्स, ये सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप पीछे दिखाओगे तो ये बलून वगैरह भी बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे के लिए। एंड देन आपको अगर लाइक स्पेसिफिक चाहिए कि बर्थडे का चाहिए, एनिवर्सरी का चाहिए, पर्टिकुलर लाइक 30th बर्थडे का चाहिए, वो सब भी मिल जाते हैं यहाँ पे बलून। हम दोनों काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं सो ये सेक्शन इसलिए हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट सिद्धार्थ को नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है बिकॉज सिद्धार्थ को ये सब चीज़ों पे एक्स्ट्रा पैसा खर्चना होता है, यहाँ पे ही वॉन्ट स्पेंड। For $1? Nice. तो अब शॉपिंग सारी मैंने कर ली है और बिलिंग कराने जा रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ, और उसके बाद हम आपको बताएंगे हमने अंडर $4 में कितने की शॉपिंग करी है। Yes, तो सर आप कितने की शॉपिंग करके आए हैं डॉलरामा से? $40? यार $40 में तो काफ़ी ले लिया हमने, है ना? नाइस। सो हम ऐसा सोच रहे हैं, हम आपको और ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ पे सेव कर सकते हो हमारे आने वाले व्लॉग्स में। सो बिकॉज हम एक्टिविटीज़ खुद करते ही हैं, सो वील मेक श्योर हम वो आपको दिखाएँ भी, सो दैट आपको पता चले हाउ लाइफ इन कैनेडा इज। So we hope you like this video, and if you did, make sure you drop us a comment below. We love reading all your comments, and make sure you have liked this video. और क्या करना होता है? और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना, एंड अगर आपको कोई अपडेट मिस नहीं करनी तो वो बेल वाला आइकन भी जरूर दबा देना। So until next time, take care of yourself, your family, and stay connected. Bye.